टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं हूं मनीष भदौरिया। भारत 1 दिसंबर 2022 को इंडोनेशिया से G20 का अध्यक्ष पद ग्रहण करेगा, जिसके बाद 2023 से पहली बार भारत G20 समिट की बैठक आयोजित करेगा। 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक के लिए G20 की अध्यक्षता भारत के अंतर्गत होगी। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। भारत करेगा G20 की अध्यक्षता। 2023 में पहली बार G20 समिट की बैठक करेगा आयोजित। देश भर में आयोजित होगी 200 से अधिक बैठकें। G20 ग्रुप में 19 देश हैं शामिल। 3 देश करेंगे ट्रोइका का निर्माण। भारत 1 दिसंबर 2022 को इंडोनेशिया से G20 का अध्यक्ष पद ग्रहण करेगा, जिसके बाद से 2023 में पहली बार भारत G20 समिट की बैठक आयोजित करेगा। दरअसल 1 दिसंबर 2022 से 23 नवंबर 2023 तक के लिए G20 की अध्यक्षता भारत के अंतर्गत होगी। इस अध्यक्षता के दौरान देश भर में 200 से अधिक G20 बैठकों की मेजबानी करने की उम्मीद है, जिसको लेकर विदेश मंत्रालय ने बताया है कि राष्ट्र अध्यक्ष को शासन अध्यक्षों के स्तर पर G20 देशों के नेताओं का शिखर सम्मेलन 9 से 10 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में आयोजित होने वाला है। गौरतलब है कि G20 या ग्रुप ऑफ 20 दुनिया की प्रमुख विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं का एक अंतर सरकारी मंच है, जिसमें 19 देश शामिल है। इन देशों में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया, मेक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूके, यूएस और यूरोपीय संघ भी शामिल हैं। सामूहिक रूप से G20 वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद GDP का 85%, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का 75% और विश्व जनसंख्या का 2/3 हिस्सा है, जो इसे अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का प्रमुख मंच बनाता है। भारत वर्तमान में G20 ट्रोइका में शामिल है। ट्रोइका के 3 देशों में इंडोनेशिया और इटली के साथ भारत भी है। ये तीनों देश G20 के मौजूदा पूर्ववर्ती व भावी अध्यक्ष हैं। इसकी अध्यक्षता के दौरान भारत, इंडोनेशिया और ब्राजील ट्रोइका का निर्माण करेंगे। यह पहली बार होगा जब ट्रोइका में 3 विकासशील देश और उभरती अर्थव्यवस्थाएं शामिल होंगी, जो उन्हें एक बड़ी आवाज प्रदान करेगी। भारतीय विदेश मंत्रालय ने बताया है कि G20 में वर्तमान 8 वर्क स्ट्रीम शामिल हैं। बता दें कि G20 सदस्यों के अलावा G20 अध्यक्षों द्वारा कुछ मेहमान देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को G20 बैठकों और शिखर सम्मेलन में आमंत्रित करने की परंपरा रही है। G20 विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों और यूरोपीय संघ को साथ लाता है। इसके सदस्य देशों को विश्व की कुल GDP में 80% योगदान है, जबकि विश्व व्यापार में इसका 75% और विश्व की कुल आबादी में 60% हिस्सेदारी है। हमारी खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। कुछ भाव